स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। यह है हुंडा कंपनी का हुंडा साइन बाइक है और इस बाइक का मैं आपको पूरा हाफ इंजन कैसे करता है मैं बताऊंगा। पिस्टन रिंग, वाल्व, वाल्व सील, ये कैसे फिटिंग करता है, टाइमिंग एडजस्ट करता है मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों यह है हेड और इसका एग्जस्ट वाल्व, एग्नोल वाल्व नया लगाया है, ठीक है। ये ख़राब हो चुकी था, इसमें पॉल्यूशन निकलता था, धुआं देता था। तो ये जो वाल्व सील है इसका अंदर, इसे भी नया लगाया और वाल्व लगाया। और ये है टाइमिंग, इसका कैमशाफ्ट बॉडी है, ये कैमशाफ्ट भी मैंने चेकअप कर लिया, ये ठीक है। आप भी चेकअप कीजिए, अगर यहाँ दाग रहता है तो इसको नया लगाइए। और सबसे बड़ी बात है ये इसका पोल ख़राब हो गया था, इसमें इंजन वाइल लीक करता था। दो साइड का पोल है, एक ये पोल है, ये ख़राब हो गया था, इसे नया पैच किया, ठीक है। और एक उस साइड पर है, देखिए ये भी ख़राब हो गया था, इसमें सॉकेट ठुकाया 10 नंबर बोल्ट का, तो ये पैच करा लिया। बस इसका हेड का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं लाइनर पिस्टन नहीं चेंज किया, लाइनर वही है, बोर किया है, स्टैंडर्ड था, उसे 25 साइज किया। ये उषा कंपनी का पिस्टन रिंग है और इसका ग्रुप कहाँ रहता है देखिए, चारों तरफ मैंने लगा दिया है। अब मेरा चैनल में जाइए, पिस्टन रिंग कैसे असेंबली करते हैं वहाँ दिखा दूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए इस वीडियो पे नहीं दिखाया, हमारे चैनल पे है, वहाँ पिस्टन का आप कैसे ग्रुप कहाँ पे रखता है, कैसे कहाँ रखता है, वो मैं पूरा वहाँ पर मिल जाएगा आपको। हमारे चैनल पर जाइए और पिस्टन रिंग का वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ देख लीजिएगा। हर कोई बाइक का एक ही सिस्टम है। तो ये लाइनर पिस्टन मैं लगा रहा हूँ और इसको पिस्टन रिंग को आप अच्छी तरह से लगाइए, सब हिसाब से नॉर्मल से, कहीं ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, रिंग टूट जाएगा। ऑयल रिंग जो होता है बहुत ही नरम होता है, जब पड़ जाएगा फिर आराम से चल जाएगा। तो लाइनर पिस्टन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लगा रहा हूँ, थोड़ा जाम पे बूस का, ठीक है, थोड़ा हल्का करके बूस को दबा दिया, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना हथौड़ा लेके, क्योंकि यहाँ बूस सेटिंग हो गया। अब पिस्टन को टॉप में कर लेंगे, एक पाक लगा दिया वाइल देके, लुब्रिकेट हो जाएगा लाइनर को। यह टाइमिंग चेन, टाइमिंग चेन नया लगाया, ख़राब हो गया था, इसका आवाज़ आता था, और यह नया टाइमिंग चेन। यह है हाफ गैसकेट और यह है गैसकेट पैकिंग, पैकिंग भी नया डाल रहा हूँ, आप भी डाल दीजिएगा, ठीक है, पैकिंग नया डालने से लीक नहीं होता है। और ये हेड बन गया, ठीक है, कैमशाफ्ट बॉडी भी बसा दिया। ये कैमशाफ्ट बॉडी मुझे सबसे पसंद लगता है, ये जो होंडा कंपनी का हेड सिलेंडर है, फिटिंग फिट करने में बहुत मज़ा आता है, इसमें परेशानी नहीं होता है, बहुत ही इजीली होता है। हेड का नट कस रहा हूँ, थोड़ा मैग्नेट लगा दिया टाइमिंग लगाने के लिए, इसका टाइमिंग ठीक पता चल जाएगा कैसे टाइमिंग रखना है। यहाँ लिखा हुआ है, मार्किंग है, और यह है मार्किंग, दोनों मार्किंग को एक ही जगह पे रख दिया। ये 10 नंबर बोल्ट होता है सिलेंडर को टाइट करने के लिए। अब देखिए टाइमिंग कैसे बनाता हूँ, देखिए ये मेरा टाइमिंग बन गया, एकदम सोजा सोजी रख दिया पिस्टन टॉप में करके, और ये टाइमिंग बन गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप रखना, प्लग का कैप खोल के भी देख लीजिए पिस्टन टॉप पे ऊपर है कि नहीं, टॉप पर है कि नहीं। तो इसी तरह टाइमिंग बांधते हैं, और दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों,
बस ये ढक्कन लगा दीजिएगा, रॉकर एडजस्ट कर लीजिए, रॉकर को ढीला रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा ढीला मत रखिएगा, जिसमें कि हाथ दे के आप हिलाएगा तो थोड़ा हिलना चाहिए, और जाम हिलेगा तो ट्यूनिंग नहीं आएगा, स्टार्ट गिरेगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाइक के साथ वीडियो लाते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।